Atomic Structure Exercise 1, page number 44. Page number 44. Question number 1 से लेकर 4. Question number 3. 1-2 हो गया. 1-2 हो गया. Question number 3. If a hydrogen atom potential energy at infinite is chosen to be 13.6 electron volt, then the ratio of the total energy to kinetic energy of the first orbit of hydrogen atom. ध्यान देना कि n is equal to 1 पे total energy कितना होता है? Minus of 13.6 electron volt होता है hydrogen atom का. n is equal to infinity पे total energy कितना होता है? Zero. ये distance बढ़ता चला गया तो ये वैल्यू धीरे 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 पॉजिटिव की ओर जा रहा है कि नहीं. अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम अगर बोले 13.6 प्लस साइन के साथ, काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर जीरो ही मानेंगे, तो यहां पर टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी प्लस ऑफ 13.6. तो जब ये माइनस ऑफ 13.6 से धीरे धीरे वो जीरो की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? माइनस ऑफ 13.6. डिफरेंस इज 13.6. दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना? 13.6. यहां पर अगर पॉजिटिव 13.6 होना चाहिए तो यहां पर टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए? जीरो. जब ये माइनस 13.6 से घटते हुए जीरो गया, बढ़ रहा है ना, तो ये जीरो से बढ़ता हुआ 13.6 तक जाएगा. सो टोटल एनर्जी विल बी जीरो. सो द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8. Nine, ten. 11. The shortest wavelength in the helium atom of the Balmer series is X. Shortest wavelength दिया हुआ है. Question number 11 में lambda minimum मतलब shortest. Lambda minimum का मतलब energy should be maximum. और energy maximum Balmer में. Balmer में energy maximum कब मिलेगा? जब n2 infinite हो और n1 जो हो किसके बराबर हो? इन्फोनाइट से 2 तक का ट्रांजिशन जब होगा तब जाके एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम. एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ विल बी मिनिमम. तो इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हीलियम एटम इन बैलमर सीरीज इज एक्स, फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू राइडबर्ग कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर हीलियम का जेड, 2, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. तो 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया? 1/4 × 4 किसके बराबर आ रहा है? आर के बराबर आ गया. 1/∞ तो जीरो हो गया. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पैशन सीरीज ऑफ Li2+. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स. लैम्डा मैक्स मतलब की एनर्जी मिनिमम. लाइमन बैलमर पैशन ब्रैकेट. पैशन में एन वन कितना होगा? पैशन में एन वन होगा 3. एन वन हो गया 3 तो एन टू कितना होना चाहिए? 4. 4 से 3 तब एनर्जी मिनिमम. एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम लॉन्गेस्ट. तो यहां पर 1/λ विल बी इक्वल टू राइडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/3² माइनस 1/4² सो इट विल बिकम आर इंटू 9 × 16 कितना आ रहा है? 144. 16 माइनस ऑफ 9 7/144 और आर क्या है? आर इज 1/x. तो 1/x इंटू 7/144 दैट इज 1/λ. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 144 एक्स अपॉन 7. अच्छा 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 यहां पे लिथियम है ना? लिथियम 9 से मल्टीप्लाई तो 9 7 जा कितना हो जाएगा? 63.
कुछ कट रहा है क्या? किससे? 9, 7 जा 9, 1, 16x, सो 16x अपॉन 7 विल बी द आंसर. 12, 13, 14, 15, 12. An electron in a hydrogen atom in its ground state absorbs energy equal to the ionization energy of lithium 2 plus the wavelength of the emitted electron. The wavelength of the emitted electron. मैंने डी ब्रूगली wavelength पूछ रहा है. कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस. लिथियम 2 प्लस कितना हो जाएगा? 13.6 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया. कौन एब्जॉर्ब किया? एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम जेड इजकल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे ये इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया. तो ध्यान दो, जब ये n इजकल टू तक पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो तो नहीं होगी. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. तो इस एनर्जी में से इतना एनर्जी वो यूज करके वहां से इन्फिनिटी तक आ गया. आ गया ना? तो इन्फिनिटी पे उसके पास एनर्जी लेफ्ट विल बी इक्वल टू 13.6 × 8 एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन? सो वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन तो कुछ वेलोसिटी से बाहर निकलेगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना? मैंने डी ब्रूगली वेवलेंथ पूछ रहा है. लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m × काइनेटिक एनर्जी. ये फॉर्मूला लगा के लैम्डा निकालेंगे. 6.625 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹ काइनेटिक एनर्जी जूल में. 13.6 × 8 × 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल. ये सॉल्व करो और मीटर में आंसर आएगा. 13 एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी 16E, 4E, E रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रूगली वेवलेंथ? सेम सवाल. एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है. एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है. एनर्जी कितना आगे रखा? 16E, 4E and E. लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 × m ऑफ द इलेक्ट्रॉन 16E. लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ऑफ द प्रोटॉन 4E. और लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 × मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2E. नाउ व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम. What is the mass of proton? It is लगभग 1 amu. 1.67 × 10⁻²⁷ 27 kilogram. And what will be the mass of alpha particle? Alpha particle क्या होता है? Helium nucleus. 4 amu. 4 × 1.67 × 10⁻²⁷. बिठा के रेशियो ले लो, E कट जाएगा. तो थोड़ा हम लोग एस्टीमेट करें. एस्टीमेट अगर कर रहे हैं तो ये 16 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 4 बाहर आया था यहां पर 2, और ये तो खैर वैसे ही है. हाँ, 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लिखा जा सकता है ना यहां पर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन.
4:2 ऐड करके बिल्कुल किया जा सकता है, डेफिनेटली। मैंने एनीवे आपको डीप ब्रूगली वेवलेंथ का रेशियो ही लेना है, 14, 15, 16 लाइन से डाउटर है। गिवन डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस एलआई से एलआई +3 +3 इलेक्ट्रॉन। खैर ये थोड़ा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सवाल है। देख जब एलआई से हम लोग एलआई प्लस बनाते हैं, एलआई है ना, एलआई प्लस बनाए एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एलआई प्लस से जब हम लोग एलआई 2 प्लस बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनाइजेशन एनर्जी 2। एलआई प्लस 2 से जब इसको एलआई प्लस 3 बनाया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल के तो ये बन जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 3। जब हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा, एलआई इज गिविंग एलआई प्लस 3 प्लस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। इसका डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है कितना, 19800 किलो जूल पर मोल, 19800 किलो जूल पर मोल। बाकी I1 इज गिवन 520, देन I2 एंड I3 अप्रोक्स वैल्यू। I1 कितना दे रखा, तो दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को जोड़ दिए ना, तो तीनों प्रोसेस का एनर्जी को भी जोड़ो रिक्वायर्ड, तो IE1 IE2 प्लस IE3 कितने आ रहा है, 19800 माइनस ऑफ 520, 08219280। तो इन दोनों का सम 19280 होना चाहिए, आप चेक कर ले। जोड़ के देख लो सब में आ जाएगा ना, ये 15 16 15 16 हो गया 17 18 19 20 21 से 23 21 से 23 24 से 26 24। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom if the wavelength is known to an accuracy of 1 picometer. हम लोग को ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सो पी विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, एक तरह से डिफरेंशिएट करना है, डीपी इज इक्वल टू, तो डीपी बोलो या डेल्टा पी बोलो, विल बी इक्वल टू एच तो कांस्टेंट, 1 बाय लैम्डा का डिफरेंशिएशन, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। अरे डेल्टा को डी मान ले, डीपी बोलते निकालने तो कैसे निकालते, डीपी इज इक्वल टू एच तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन लैम्डा का -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा ऑफ लैम्डा, ऐसे निकालते ना। किसी के भी रेस्पेक्ट में वो तो कट ही जाएगा, डीपी बाय डी एक्स डेल एफ डेल लैम्डा बाय डेल एक्स, ये तो डिफरेंशिएट किया सीधे सीधे। क्लियर है ये, तो डेल्टा पी का हम मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो एच इंटू 1 अपॉन कितना दे रखा है वेवलेंथ 5000 angstrom और आंसर मीटर में दिया है, तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर और डेल्टा लैम्डा कितना दिया है 1 पिकोमीटर
1 picometer is 10^-12 meter. Approximately देखो h into कितना आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 10^-7, 1/25, 10^-7 का स्क्वायर 10^-14, और इधर हो गया 10^-12, सो इट विल बिकम h upon, यू गेट 10^-2.25. We all know that delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. Therefore, delta x kya ho jayega? Greater than or equal to h upon 4 pi into delta p. Therefore, h upon 4 pi into delta p kitna nikla? H upon 0.25, H cut gaya, so delta x will be equal to 0.25 divided by 4 pi, answer kitna aa raha, divided by 3.14, 0.0199, so it is 0.02 meter. Answer. 25, 26, 27, 28. सब लाइन से ही डाउट रखा है क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन मत सोचो, यहां क्या दे रखा है लास्ट में कि बोथ न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन इन बोथ रिएक्शंस आर कंजर्व्ड. एक्स इज गिविंग वाई प्लस हीलियम 4-2 एंड वाई इज गिविंग O18 प्लस 1H1. तो ये वाई का मास नंबर कितना होना चाहिए? 19. 8+1 9, तभी तो कंजर्व हुआ. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंजर्व करना मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कंजर्व होना. यहां पर टोटल अगर टोटल 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन्स है, तो यहां भी 9 प्रोटॉन होना चाहिए. यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 19 है, तो यहां भी 19 होना चाहिए. समझ आ रहा है? तो वाई अगर 19 और 9 है, एक्स क्या होना चाहिए? 9 × 11 और 19 × 4 = 23. सोडियम है ये. क्या पूछ रहा है ये? अब निकाल लोगे आगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन द 4.6 ग्राम ऑफ एक्स कर लोगे? छब्बीस, सताइस, अट्ठाईस, उन्तीस, तीस, 27. Assuming uncertainty principle to be true, what could be the minimum uncertainty in a de Broglie wavelength of a moving electron accelerated by a potential difference of 6 volt whose uncertainty in... क्या है? ऐसा फालतू फालतू सवाल है. ये सब में डाउट कैसे आ रहा? क्वेश्चन नंबर 27. डेल्टा एक्स दिया हुआ है 7/22 नैनोमीटर. व्हाट कुड बी द अनसर्टेनिटी मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रूगली वेवलेंथ? तो डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो गया. एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 7/22 इंटू 10^-9. ये डेल्टा पी हो गया. सेम उसी तरीके से हमें पता है कि लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू वी. 2m विल बी इक्वल टू 2m इंटू ई इंटू 6 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है. तो लैम्डा पहले निकाल लीजिए. लैम्डा निकलेगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 × 9.1 × 10^-31
इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 × 10⁻¹⁹ और वी कितना दे रखा है 6। सॉल्व करके कितना आता है, आता है वेरी गुड, लैम्डा आ गया। सेम प्रोसेस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या पी विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 1/λ² एच इंटू डेल्टा ऑफ लैम्डा। डेल्टा पी निकाल चुके, लैम्डा पता चल गया, डेल्टा लैम्डा निकाल लो। (28, 29, 30) (31, 32, 33, 34, 35) 31 से 35 मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डी सब ऑर्बिट कितने डिजेनरेसी डेवलप करेंगे, 5। डी के 5 तरह का ऑर्बिटल है, वो 5 डिजेनरेसी डेवलप करेगा, इसी को बोलते हैं 5-fold डिजेनरेसी। क्लियर? 32, 33, 34, 35, 36 से 39, 40, 41, 42 तक कोई दिक्कत, 43, 44, 45, 46, 47। स्फेरिकल नोड रेडियल नोड को बोला जाता है, रेडियल नोड इज स्फेरिकल नोड। 46, 47, 48, 49, 50। कर लिए कंप्लीट? अगले क्लास में एक्सरसाइज 4।